दोस्तों, अगर आप सिक्योरिटी गार्डिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं और आप मेटेरियल मूवमेंट प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे सिक्योरिटी में मेटेरियल मूवमेंट क्या होता है, मेटेरियल मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं, इनवर्ड क्या होता है, आउटवर्ड क्या होता है, मेटेरियल मूवमेंट की एंट्री करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो मेरा ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, मेरे इस चैनल का उद्देश्य है सिक्योरिटी के कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों का स्किल डेवलप करना और दूसरी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देना, ताकि सिक्योरिटी के कार्य क्षेत्र से जुड़े हमारे दोस्तों का प्रोफेशनल ग्रोथ हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, जो कि मेटेरियल मूवमेंट प्रोसेस के बारे में है। सही और पूरी जानकारी के लिए आप ये वीडियो पूरा देखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे मेटेरियल मूवमेंट क्या होता है या मेटेरियल मूवमेंट का मतलब क्या होता है। मेटेरियल मूवमेंट दो शब्दों के जोड़ से बना है। पहला होता है मेटेरियल और दूसरा है मूवमेंट। मेटेरियल्स का अर्थ होता है कोई भी सामान, वस्तु, गुड्स, एसेट्स, और मूवमेंट का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में आना जाना। मेटेरियल मूवमेंट का अर्थ होता है जब कोई कंपनी, फैक्ट्री या ऑफिस अपना सामान कहीं बाहर भेजती है या अपने जरूरत के हिसाब से कोई सामान बाहर से मंगवाती है। ऐसे ही सामान के आने जाने की प्रक्रिया को हम मेटेरियल मूवमेंट कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई रेडीमेड गारमेंट की कंपनी है जिसका काम है कपड़ों से ड्रेस तैयार करने का, ऐसे में कंपनी को अपने प्रोडक्शन के लिए कच्चा माल बाहर से मंगाना पड़ता है, जैसे कपड़े, बटन या सिलाई से जुड़े हुए और मटेरियल्स। फिर कंपनी में उस कच्चे माल से जो ड्रेस तैयार होती है उसे बाहर भेजना पड़ता है। कंपनी के अंदर सामान के इसी आदान प्रदान या आने जाने की प्रक्रिया को हम मेटेरियल मूवमेंट कहते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे व्हाट इज मेटेरियल मूवमेंट प्रोसेस, मेटेरियल मूवमेंट की प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों, आप जान गए होंगे मेटेरियल मूवमेंट किसे कहते हैं। मेटेरियल मूवमेंट की इसी प्रक्रिया को हर कंपनी अपने जरूरत के हिसाब से रिकॉर्ड करती है, ताकि कंपनी अपने यहाँ आने जाने वाले सामानों का लेखा जोखा रख सके और कभी कंपनी को भविष्य में जरूरत पड़े तो वो पूरी जानकारी इकट्ठी कर सके कि सामान कब आया था, कितना आया था, कौन लेके आया था, कौन लेके गया, सामान कहाँ से आया था या कहाँ गया था, या सामान के आने का डॉक्यूमेंट नंबर क्या था। ऐसी तमाम जानकारियों का रिकॉर्ड रखने के लिए कंपनी एक प्रोसेस तैयार करती है, जिसे ही मेटेरियल मूवमेंट प्रोसेस कहते हैं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे किसी भी कंपनी में एसेट प्रोटेक्शन का काम उस कंपनी के फिजिकल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अधीन होता है। ऐसे में कंपनी में आने वाले हर सामान या एसेट की जांच और फाइनल रिकॉर्ड रखने का काम सिक्योरिटी के पास ही होता है। अलग अलग कंपनियों में मेटेरियल मूवमेंट करने का प्रोसेस और जांच करने का तरीका में थोड़ी बहुत अंतर हो सकती है, मगर इसकी मुख्य प्रोसेस एक जैसी ही होती है। लगभग हर कंपनियों में मेटेरियल मूवमेंट प्रोसेस करने के लिए अलग से सिक्योरिटी टीम होती है, जिसको हम मेटेरियल मूवमेंट सिक्योरिटी ड्यूटी पोस्ट कहते हैं। मेटेरियल मूवमेंट किसी भी सिक्योरिटी ड्यूटी का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसको करने से पहले आपको कंपनी के प्रोसेस और पॉलिसी के बारे में जानकारी होना चाहिए। किसी भी मेटेरियल ट्रांजैक्शन के दो प्रमुख स्रोत होते हैं। पहला स्रोत है जब कोई भी सामान कंपनी के अंदर आता है, जिसे हम इनकमिंग मेटेरियल्स या इनवर्ड मेटेरियल्स कहते हैं। दूसरा स्रोत है जब कंपनी से कोई सामान बाहर जाता है, जिसे हम आउटगोइंग मेटेरियल या आउटवर्ड मेटेरियल कहते हैं। लगभग हर कंपनी मेटेरियल मूवमेंट को व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए उसको चार भागों में बांटती है। पहला है मेटेरियल इनवर्ड नॉन रिटर्नेबल, दूसरा है मेटेरियल इनवर्ड रिटर्नेबल, तीसरा है आउटवर्ड नॉन रिटर्नेबल और चौथा है आउटवर्ड रिटर्नेबल। इनवर्ड रिटर्नेबल का अर्थ होता है जब कोई सामान किसी कंपनी में किसी निश्चित समय के लिए आता है और उसकी वापसी तय होती है, वैसे मेटेरियल को हम रिटर्नेबल मेटेरियल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ कोई इवेंट है और उस इवेंट को करने के लिए बाहर से कोई सामान टेम्पररी पर्पस पे आता है, जैसे म्यूजिक सिस्टम, लाइट और डेकोरेशन का सामान, और इन सामानों का इवेंट खत्म होने के बाद वापस जाना तय होता है। इसी को हम मेटेरियल मैनेजमेंट की भाषा में इनवर्ड रिटर्नेबल कहते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे इनवर्ड नॉन रिटर्नेबल क्या होता है। इनवर्ड रिटर्नेबल के उलट इनवर्ड नॉन रिटर्नेबल का अर्थ होता है जब कोई सामान कंपनी में आता है और जिसकी वापस जाने की संभावना नहीं होती है, या यूं कहे तो कंपनी में परमानेंट पर्पस पे वो मटेरियल आता है। जैसे उदाहरण के लिए आप मान लीजिए, अगर कोई कंपनी अपने डेली उपयोग के लिए कोई स्टेशनरीज बाहर से मंगाती है, जैसे पेन, पेपर, वो कंपनी का परमानेंट यूज के लिए मंगाती है, ऐसे सामानों को हम नॉन रिटर्नेबल मटेरियल कहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई आईटी की कंपनी है और अपने एम्प्लॉय के लिए वो लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम मंगाती है, तो वो सामान एम्प्लॉयर के परमानेंट यूज के लिए आती है, ऐसे आइटम्स को हम इनवर्ड नॉन रिटर्नेबल मटेरियल बोलते हैं। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कैसे हम रिटर्नेबल और नॉन रिटर्नेबल मटेरियल की पहचान कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे इनवर्ड मटेरियल किसे कहते हैं। इसी तरह दोस्तों, जब कोई सामान किसी कंपनी के अंदर से बाहर जाता है उसे हम आउटवर्ड मटेरियल बोलते हैं। इनवर्ड की तरह ही आउटवर्ड मटेरियल भी दो तरह के होते हैं, आउटवर्ड रिटर्नेबल और आउटवर्ड नॉन रिटर्नेबल।
आउटवर्ड रिटर्नेबल मटेरियल का अर्थ होता है कि जब कोई सामान कंपनी में एक निश्चित समय और किसी कारण से बाहर जाता है और जिसकी वापसी की संभावना होती है, उसे ही हम आउटवर्ड रिटर्नेबल मटेरियल बोलते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आपके कंपनी में कोई सामान है और वो बिगड़ गया है और उसे रिपेयर के लिए बाहर भेजना है और वो सामान रिपेयर होने के बाद कंपनी में वापस आएगी, इस टाइप के मटेरियल को ही हम आउटवर्ड रिटर्नेबल मटेरियल कहते हैं। आउटवर्ड नॉन रिटर्नेबल। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं, नॉन रिटर्नेबल का मतलब होता है जो सामान जाएगी वो वापस नहीं आएगी, या यूं कहे तो सामान परमानेंटली बाहर जा रही है, इसी को हम आउटवर्ड नॉन रिटर्नेबल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक मोबाइल बनाने की कंपनी है और तैयार मोबाइल को वो सप्लाई के लिए बाहर भेजता है, चूंकि ये मटेरियल बेचने के लिए बाहर जाती है, इसको हम आउटवर्ड नॉन रिटर्नेबल मटेरियल कहते हैं। एक दूसरे उदाहरण में मान लीजिए आपकी कंपनी कोई स्क्रैप मटेरियल बाहर भेजती है, चूंकि ये सामान आपकी कंपनी का वेस्ट मटेरियल है और इसकी वापस आने की संभावना कम होती है, ऐसे ही जो सामान कंपनी के बाहर जाती है और जिसकी वापस आने की संभावना नहीं होती है या हमेशा के लिए बाहर जाती है, ऐसे ही सामान के बाहर जाने की प्रक्रिया को हम आउटवर्ड नॉन रिटर्नेबल कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे सिक्योरिटी की ड्यूटी में मटेरियल मूवमेंट कितने तरह के होते हैं। दोस्तों, मटेरियल मूवमेंट की ड्यूटी का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है मटेरियल मूवमेंट संबंधित डॉक्यूमेंट्स की जांच करना और डॉक्यूमेंट्स को समझना। इन जनरल मटेरियल मूवमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल होता है वो होते हैं गेट पास, डिलीवरी चालान, इनवॉइस, बिल, बिल ऑफ एंट्री इत्यादि। मटेरियल मूवमेंट की ड्यूटी करते समय उस गार्ड को उस डॉक्यूमेंट की जाँच करना पड़ता है। इसके अलावा जो मटेरियल आती है उसको डॉक्यूमेंट के साथ मिलाना होता है। अगर सब कुछ मटेरियल सही है तो उसको मटेरियल रजिस्टर में एंट्री करना होता है। दोस्तों, वीडियो के अगले भाग में मैं आपको जानकारी दूंगा कि गेट पास या डीसी, बिल, इनवॉइस क्या होता है, गेट पास कैसे लिखी जाती है, मटेरियल रजिस्टर क्या होता है और उसमें किस तरह से लिखना होता है। इसके अलावा मटेरियल मूवमेंट से जुड़ी अन्य जानकारियों का पूरा डिटेल्स मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा। तो आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ और आपका सहयोग और सुझाव ऐसे ही हमें देते रहें। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू।